हेलो एवरीवन, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। एक नई भर्ती आई हुई है वेटरनरी के अंदर उसकी। हालांकि साथियों, जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उसके डिपार्टमेंट के अंदर कई सारी भर्तियाँ आई हुई है, जो आप विजिट कर सकते हो। इसकी PDF को आप अपने जो वेटरनरी स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जाकर ये PDF प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साथियों, आज जो मैं आपको वेटरनरी के अंदर जो भर्ती आई है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। किसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल पद कितने हैं, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूरी जानकारी। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वेटरनरी से रिलेटेड आपको हर तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन समय समय पर मिलती रहती है। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो साथियों, जो मैं आपको सूचना बता रहा हूँ वो काफ़ी डिफिकल्ट है। आपको मैं आपको इसमें से जो है मेन मेन पॉइंट बताऊंगा इस भर्ती के बारे में। बाकी जो PDF आप यहाँ पर जो विजिट कर रहे हो, काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। लेकिन अभी मैं आपको जो है फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पद कितने हैं, इसी प्रकार से पूरी जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं अपने इस डिटेल्स को। तो सबसे पहले तो साथियों, ये जो भर्ती आई हुई है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड मंडल भोपाल द्वारा जारी की गई है। समूह 5A के अंतर्गत जो है इसमें साथियों स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्य कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की जो है ये सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती है 2023। ठीक है साथियों, इसमें काफ़ी सारे पद हैं। मैं आपको मेन जो है इसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जानकारी बताऊंगा मेन। ठीक है साथियों, अब साथियों सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे। साथियों, आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक जो तिथि है वो है आपकी 15 मार्च 2023। ठीक है साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो 15 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और अंतिम जो लास्ट डेट है वो है इसकी 29 मार्च 2023। ठीक है साथियों, 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, और जो फॉर्म जो वापस संशोधन करने की जो डेट है वो भी 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और 3 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है साथियों, जो संशोधन करने की जो डेट रहेगी वो 15 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक रहेगी। और साथियों, इसमें साथ में जो है परीक्षा दिनांक वो दिन भी साथ में दे रखा है, जिसमें एग्जाम होगा वो भी इसमें साथ में दे रखा है, जो है 17 जून। 17 जून से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है साथियों, ये तो हो गए फॉर्म भरने की और डेट की दिनांक। अब जो इसका परीक्षा शुल्क रहेगा वो और जो अदर जानकारी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है नेक्स्ट जानकारी देखते हैं कि इसमें पद कितने हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखे गए हैं। अब जो है साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो स्थायी जो निवासी है उन आवेदकों के लिए जो आयु की सीमा है वो क्या है, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है साथियों, 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी कि आपकी एज क्या रहेगी। तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए तो जो है साथियों 18 से 40 साल की उम्र रखी गई है, और इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था इत्यादि के लिए, उन सबके लिए जो है 18 से 35 साल की इसमें एज रखी गई है, और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की जो है इसमें छूट रखी गई है। और इसके अलावा जो अगली जानकारी देखते हैं साथियों, में आपको मेन मेन इसमें जो पॉइंट है वही बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी जानकारी है इसमें, और भर्ती से रिलेटेड मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी जो है मैं आपको अगले वीडियो में इस प्रकार से जो है और आगे से आगे जानकारी बताता रहूँगा। अब साथियों जो है, अब इसमें मेन पॉइंट आता है अपना कि जो नागरिकता और स्थायी निवासी के संबंध में के फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, यानी कि
केवल मध्य प्रदेश वाले ही लगा सकते हैं या फिर अदर स्टेट वाले भी लगा सकते हैं। तो इसमें साथियों सबसे पहले पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार जो नाम है वो क्या है, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और नेपाल का नागरिक हो सकता है। अगर नेपाल का नागरिक है तो वो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। और जो ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है साथियों ध्यान से सुनना, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को जो है आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि साथियों आप फॉर्म लगा सकते हो, अदर स्टेट वाले फॉर्म लगा सकते हैं इसमें, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और एज लिमिट यानी कि आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, जो रियल होगी वही इसमें रखी गई है। तो ये तो हो जाता है कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है इसमें उसके बारे में। अब मेन पॉइंट बताता हूँ साथियों, सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण, खाली पद कितने हैं उसके बारे में, ठीक है साथियों, और जो टोटल पद है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के जो टोटल पद है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है साथियों। तो साथियों स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का जो पद कोड है वो तो है 36, पद कोड जो है वो 36 है। सीधी भर्ती हेतु जो टोटल पद है 747, ठीक है साथियों, कितने पद है 747 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। टोटल 747 पद है इसमें, जिसमें अदर भी कई सारे पद है। इस प्रकार से टोटल 4792 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें स्टाफ नर्स, मेल नर्स, ANM, मिडवाइट, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, OT टेक्नीशियन, स्पीच थेरापिस्ट, कई सारे पद है, ठीक है। तो आप भी इसमें अपनी एजुकेशन के अलावा के साथ साथ में अपना फॉर्म लगा सकते हो। अब साथियों विभागवार पदों का विवरण भी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जानकारी देना अभी वीडियो में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अपने जो मेन पॉइंट है वो छूट जाएंगे। तो मैं आपको जो इसके मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ भर्ती से रिलेटेड, ठीक है साथियों। अब तो साथियों अब यहाँ पर बात आती है मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, ठीक है साथियों। अब आती है अपने वेटरनरी के जो मेन पॉइंट है वो बात। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक फाइल नंबर 11-2005-2022 ये आप देख सकते हो, दिनांक 16-12-2022 एवं पत्रांक नंबर ये, ठीक है। अब जो पोस्ट कोड है वो मैंने आपको बताई दिया 36 है, और इसके अलावा जो सीधी भर्ती है ये, ठीक है साथियों, सीधी भर्ती है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, और टोटल पद है इसमें कुल 747 पद है जो अकार्यपालिक है, ठीक है साथियों, अकार्यपालिक। अब इसमें कैटेगरी वाइज सबके अलग अलग पद है, जिसमें अनारक्षित है UR, EWS, SC, ST और OBC, और इस प्रकार से ये नील है, भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी, इनके लिए भी अलग अलग पद रखे गए हैं। तो टोटल अनारक्षित UR वालों के लिए 203 पद है, EWS वालों के लिए 74 है, और SC वालों के लिए 119, ST वालों के लिए 149, OBC वालों के लिए 202, इस प्रकार टोटल 747 पद इसमें हैं। अब जो है साथियों ये तो हो गए अपने पद के बारे में कि कितने टोटल पद है उसकी जानकारी। अब जो मैं आपको बताता हूँ वेतनमान, यानी कि सैलरी कितनी रहेगी इसमें, तो 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये तक इसमें सातवां वेतनमान आपको मिलेगा, और इतनी आपकी सैलरी रहेगी। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेन पॉइंट है साथियों आपका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी। तो इसमें हायर सेकेंडरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान, गणित और कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए, साइंस, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी सब्जेक्ट से कोई भी सब्जेक्ट होनी चाहिए साइंस के उसमें से। इसके अलावा जो अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि पशुपालन विभाग विज्ञान के अंदर आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए,
जो किसी भी डिपार्टमेंट का हो चलेगा, पशुपालन विभाग के अंदर, पशुपालन विज्ञान के अंदर जो भी मान्यता प्राप्त अगर कोई भी विश्वविद्यालय है वहाँ से। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटरनरी कार्प में ड्रेसिंग ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये तो होगी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और टिप इसमें है कि विभागीय अधिसूचना दिनांक 2/12/2011 के अनुसार दिव्यांगजन हेतु पद चिन्हित नहीं है। ठीक है सर, तो अलग से कोई भी पद इसमें चिन्हित नहीं किए गए। ये तो होगी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डेट मैंने आपको बताई दी है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है वो भी आपको बता दिया है, और एग्जाम की डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो लगभग जो है आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब रही बात सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के, इस प्रकार की जो जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो है आप इसका फॉर्म लगा सकते हो मध्य प्रदेश की। ठीक है सर, तो और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर, और इसके अलावा कई सारे इसमें पद है जो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार भी फॉर्म लगा सकते हो। और जो सर, तो इसमें फॉर्म भरने की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो है www.mpaonline.government.in के माध्यम से आप जो है जो होम पेज जिसका ओपन होगा उसमें सिटीजन सर्विस के अंदर अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। तो ये है अपनी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पूरी लगभग इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो पूरी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।